कनाडा जाण वाले लई वड्डी खुशखबरी, विदेशी सरकार ने 99% वीजास कीते जारी। हुण टेंशन लैण दी नहीं लोड़, छे वैंड्स दे विच वी जा सकदे हो कनाडा। हुण कुल मिला के छे वैंड्स दे विच वी कर सकदे हो वीजा हासिल। ते इसे दे नाल ही आइल्स दे बजाए पीटीई करके भी जा सकते हो कैनेडा। दरअसल बीते दिन जिहड़ा एक तनाव चल रहा सी कैनेडा ते भारत विचाले, उस दौरान कई तरह के खदशे जदों प्रगटाए जाते सी जां फिर कई तरह की टेंशन जिहड़ी हुंदी सी, जिहड़े खास तौर दे उत्ते भारत दे विचों विद्यार्थी जां फिर कुछ होर लोग बाहर जाना चाहते सी, उन्हां दे लई एक बड़ी राहत भरी खबर जरूर है। क्योंकि हुण जिथे रूल्स दे विच थोड़ा जिहा बदलाव किया गया है, उत्थे ही हुण राहत यह भी दी गई है कि बैंड दी जिहड़ी कटौती कर दिती गई है, क्योंकि बहुत सारे जिहड़े विद्यार्थी हुंदे सी कि उहनां नूं ज़्यादा बैंड लैणे मुश्किल हुंदे सी, ते इस दे नाल नाल हुण पी टी ई करके भी जिहड़ा कैनेडा जा सकते ने। इस नूं लै के एक जानकारी इकट्ठी की गई है स्रोता तो, इस जानकारी दे अनुसार एक रिपोर्ट तुहाडे अगे लै के हाजिर हुए हैं। तो कैनेडा ने भारतीय विद्यार्थियों प्रति बहुत नरम रवैया अपनाया। कैनेडा ने हुण 99% विद्यार्थियों को वीज़ा देना शुरू कर दिता है, जबकि पहले सफलता दर 60% के करीब से। कैनेडा और भारत के बिगड़ते कूटनीतिक संबंधों ने एक बार तो उन्होंने विद्यार्थियों ने परेशानी में पा दिता सी जो कैनेडा जाने का सुपना वेख रहे थे। अजिहियां अटकलां लाइया जा रही सी कि हर साल उत्तरी अमरीका जाने वाले हज़ारा प्रवासियों विद्यार्थियों के कामियां नूं वीज़ा प्राप्त करने मुश्किलों का सामना करना पै सकता है, पर होया इसके बिल्कुल उल्ट। कैनेडा ने 99% विद्यार्थियों को वीज़ा देना शुरू कर दिता, तो कैनेडा ने भारतीय विद्यार्थियों के प्रति हुण नरम रुख जो अपनाया है, इस तो बाद कितने ना कितने वड्डी राहत जरूर मिलती हुई नज़र आ रही है। हालांकि जिक्रयोग यह भी है कि कैनेडा ने भारतीय विद्यार्थियों को दो होर राहत दित्तियां ने। पहला हुण आइल्स विच हर विषय विच 6 बैंड की लोड़ है नहीं है, तो कुल मिला के वीज़ा सिर्फ 6 बैंड ते ही मिलेगा। इस दे नाल नाल ज़्यादातर विद्यार्थी लिखण पढ़न विच 5.5 बैंड लैके फस जाते सन, जिस कारण उन्होंने वीज़े रद्द हो जाते सी। पर हुण जे अजिहा नहीं होवेगा तो चारे विषयां विच कुल 6 बैंड चाहिए ने। इन्ना ही नहीं, जे कोई आइल्स क्लीयर नहीं करता तो उसनों पी टी ई यानी इंग्लिश का एक पीएटन टेस्ट होंदा है दी सहूलत दी गई है। पी टी ई नूं आइल्स नालों बहुत सरल मनिया जाता है। पिछले 2 महीनों में कैनेडा वालों 500 के विद्यार्थियों को 2 वीज़े जारी किए गए हैं, जिन्हों की सफलता 99% तक पहुँच गई है, जिस कारण कैनेडा जाने वाले लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। अगले साल सितंबर का सैशन भी भरिया होया है। हर साल 68,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं विद्यार्थी। पंजाब के विद्यार्थी कैनेडा में पढ़ने के लिए हर साल 68 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, तो इस समय कैनेडा में 3,40,000 के करीब पंजाबी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। 2022 के 2,26,450 वीजे मंजूर किए गए थे। जानकारी के अनुसार इन्हों पंजाबी विद्यार्थियों लिए 1,36,000 के करीब वीज़े मंजूर किए गए थे। 2008 तक सिर्फ 38,000 पंजाबी विद्यार्थियों ने वीज़ा अप्लाई किया, जिस विच हाल ही दे सालों में काफ़ी वाधा होया। दस दिए कि कैनेडा में पढ़ने वाले विद्यार्थी 40% भारती ने। भारत तो बाद कैनेडा में सिखा की सब तो वाधा वाधी है। कैनेडा वालों चुके गए हाँ पक्की कदमों कारण पंजाब की विदेशी सिक्ख्या सनत में भारी उछाल आने की भी संभावना है। वीज़ा मार्च सुकांत का कहना सी कि कैनेडा दे भारतीय विद्यार्थियों लिए नियमों को काफ़ी नरम कर दिता गया, तो पिछले 2 महीनों में साड़ी वीज़ा सफलता दर अचानक 99% तक पहुँच गई। इतों तक कि 1% वो विद्यार्थी ने जिन्हों के दस्तावेज विच कुछ कमी है, नहीं तो सारे बिनेकारों वीज़ा मिल रहा है। उन्हें यह भी आख्या कि तनाव के बावजूद कैनेडा जाना पंजाबी विद्यार्थियों की पहली पसंद है। इस दौरान कुछ निजी अकैडमिया का कहना सी कि कैनेडा ने भारतीय विद्यार्थियों उत्साहित करने लिए हाल ही अपने नियमों नरम कर दिता है, तो हुण इसकी तो पी टी ई नूं भी मानता दे दी गई है।